दोस्तों आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, मुकेश अंबानी कितने नंबर पर है देश में और एशिया में और पूरे विश्व में। मुकेश धीरूभाई अंबानी भारतीय मूल के एक अरबपति व्यापारी हैं। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक हैं और सबसे बड़े शेयर धारक भी। वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास रिलायंस का 42% हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स हैं और दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी की संपत्ति $67 बिलियन है और वह हर घंटे 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस की वजह से देश के बड़े कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से देश में अरबपतियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। नुकसान में रहने के बाद भी मुकेश अंबानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। जबकि डीमार्ट के मालिक राधा किशन दामनी की संपत्ति में बढ़त देखने को मिली है, इससे वो भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति हो गए हैं। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार देश के टॉप 10 अरबपतियों में तीसरे नंबर पर शिव नडार 11.9 अरब डॉलर, चौथे नंबर पर है उदय कोटक 10.4 अरब डॉलर, पांचवे नंबर पर है गौतम अडानी 8.9 अरब डॉलर, छठे नंबर पर है सुनील मित्तल 8.8 अरब डॉलर, सातवे नंबर पर है साइरस पूनावाला 8.2 अरब डॉलर, आठवे नंबर पर कुमार बिरला 7.6 अरब डॉलर, नौवे नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल 7.4 अरब डॉलर और 10वें नंबर पर है 6.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अजीम प्रेम जी। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार देश के सबसे युवा अरबपति की बात करें तो बायजू मोबाइल ऐप के फाउंडर बायजू रविंद्र बने हुए हैं। बायजू मोबाइल ऐप में फेसबुक के निवेशक भी शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार रविंद्र की कुल संपत्ति 1.8 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार भारत में मौजूद अरबपतियों की संख्या अब सिर्फ 102 रह गई है, जिससे पहले भारत में अरबपतियों की संख्या 106 थी। देश और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति में 13.2 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। अब उनके पास कुल 36.8 अरब डॉलर संपत्ति बची है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का दावा किया था, जिसके लिए वो रिलायंस प्लेटफॉर्म के शेयरों को बेच रहे हैं। मुकेश अंबानी ने बीते दिन सप्ताह में करीब 3 कंपनियों फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा पार्टनर्स को करीब 14% के शेयर बेच दिए हैं, जिसके तहत करीब 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं। रिलायंस को मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त करने का वादा किया था, हालांकि कंपनी दिसंबर 2020 तक ही कर्ज मुक्त होती दिख रही है। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।